हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूं नई जॉब की जानकारी जो एआरओ मेरठ द्वारा निकाली गई है, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। साथ ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं इसके बारे में बताया जाएगा, और इसके ऑफिशियल पीडीएफ को आप jobsro.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021-22 और 23 के लिए नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इन बैच में आपके प्रीलिम्स और मेंस के संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाएगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लाइव क्लासेस ली जाएंगी। इसके साथ ही एनसीईआरटी की तैयारी करवाई जाएगी और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। तो जो लोग ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको प्लस के साथ साथ पर्सनल कोच दिया जाएगा, स्टडी प्लानर होगा, और इसमें आपके वीकली टेस्ट होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा सभी कोर्सेज का, साथ ही आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर आपका टेस्ट का एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने प्राइसिंग टेबल खुलकर आ जाएगी। आपको ये प्राइस नहीं पे करना है, आप यहां पर एसआर अड्डा कूपन कोड यूज करें, जिससे आपको 7000 से लेके 15000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आप एसआर अड्डा कूपन कोड यूज करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। ये वैकेंसी जो है एआरओ मेरठ द्वारा निकाली गई है। अगर पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें सोल्जर जनरल ड्यूटी की पोस्ट है, सोल्जर टेक्निकल की पोस्ट है, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की पोस्ट है। इसके साथ ही सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल और सोल्जर ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। अगर बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें सहारनपुर जिले के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर तथा अमरोहा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, रामपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर तथा बागपत, गाजियाबाद और मेरठ तथा हापुड़ के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप 13 मार्च से 26 अप्रैल के बीच में भर सकते हैं। रैली आपकी 12 मई से 31 मई के बीच में होगी और इसके एडमिट कार्ड 27 अप्रैल 2021 से आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये एडमिट कार्ड आपके मेल पर भेजे जाएंगे। अगर सोल्जर जनरल ड्यूटी की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट की 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। हाइट 170 सेंटीमीटर, वेट मिनिमम 50 किलोग्राम और चेस्ट जो है बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट को 10वीं पास होना चाहिए, कम से कम 45% टोटल नंबर होने चाहिए 10th में, और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33% नंबर होने चाहिए। और अगर सोल्जर टेक्निकल की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के साथ कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, टोटल कम से कम 50% नंबर होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 40% नंबर होने चाहिए। और हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वजन कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए और एज की बात करें तो 17.5 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट की एज जो है 17.5 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, हाइट 170 सेंटीमीटर और वजन जो है 50 किलोग्राम होना चाहिए, सीना बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाने पे फूलना चाहिए। इसके लिए कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं में कैंडिडेट के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होनी चाहिए, कम से कम 50% नंबर होने चाहिए टोटल और मिनिमम प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% नंबर होने चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल की, तो इसके लिए कैंडिडेट की उम्र जो है 17.5 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, हाइट जो है 162 सेंटीमीटर, वजन मिनिमम 50 किलोग्राम और सीना बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इसके लिए कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए, किसी भी विषय से कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप आर्ट, कॉमर्स या साइंस से पास हैं तो 12वीं में कम से कम 60% नंबर होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए और इंग्लिश में आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास की, तो इसके लिए कैंडिडेट को 10वीं पास होना चाहिए और एज लिमिट की बात करें तो 17.5 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वजन जो है 48 किलोग्राम, सीना बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाने पर फूलना चाहिए। वहीं पर अगर सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट को 8वीं पास होना चाहिए, एज की बात करें तो 17.5 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वजन जो है 48 किलोग्राम होना चाहिए, सीना बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और डिटेल में जानने के लिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।